हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये बहुत इजी स्टिच है, सैटन स्टिच, ये बनाना सिखाऊंगी। ये जब आपका डिज़ाइन फ्लावर लीफ या कोई कोई भी डिज़ाइन छोटा होता है और आपको उसको फिल करना होता है, तो हम सैटन स्टिच यूजली यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक स्टिच में से आती है, जब आप सीखना शुरू करते हैं तो ये स्टिच भी और जो सिंपल स्टिचेज हैं उनके साथ आप सीखते हैं। ये वैसे सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें अपने जो कपड़ा है इसके टेंशन का ख्याल रखना है, और अपना जो धागा है उसके भी टेंशन का बहुत ख्याल रखना है, वरना अक्सर झोल आ जाता है कपड़े में। अगर आपने ज़्यादा खींच लिया और लूज़ छोड़ दिया तो धागा जो है वो आपका उभरा उभरा अलग नज़र आएगा। वैसे अदरवाइज़ ये बहुत ही ईजी स्टिच है। ये मैंने बीच में ये दो जो मैंने जो फ्लावर बनाए हैं इसमें मैंने ये आईलेट बनाया हुआ है डिज़ाइन के लिए, तो एक आईलेट मैंने यहाँ पर भी बना लिया है। मेरी आईलेट पर भी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी, तो आपको अगर देखनी हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आईलेट जो है वो कितनी इजीली बन जाता है और कितना अच्छा लगता है। मेरी और भी वीडियोस हैं जिसमें मैं एम्ब्रॉयडरी, बीडिंग और रिबन वर्क सिखाती हूँ, रिबन एम्ब्रॉयडरी। अब हम शुरू करते हैं अपना ये फ्लावर बनाना सैटन स्टिच का, लेकिन इससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। मैंने चूँकि छोटे 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 फ्लावर्स बनाए सिंपल से, तो हम खुद ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये 5 पेटल का फ्लावर है, तो मैंने ये छोटा सा फ्लावर ऐसे ड्रॉ कर लूँगी मैं। इसमें जैसे मैंने कहा कि अगर आप बड़ा डिज़ाइन बनाएंगे और फिर सैटन स्टिच यूज़ करेंगे तो आपका धागा जो है वो यूजुअली लूज़ हो जाता है, तो ये इतने छोटे या थोड़े इससे बड़े आप बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े जो हैं उसके लिए फिर और स्टिचेस होते हैं। मैंने सिर्फ एक स्ट्रैंड का ये लिया है धागा, फिर नॉट लगा ली, और इसमें आपको सुई को सीधा लेके जाना है, तो आपकी जो टेंशन है सुई की वो आपकी टेंशन जो है धागे की वो ठीक रहती है। ये इसके बराबर बराबर हम करेंगे, इस तरह सिंपल स्टिच होती है ये बहुत। कोशिश ये कीजिएगा कि बिल्कुल करीब करीब आपके जो टांके हैं वो आएँ, ताकि आपकी जगह जो है वो जो भी आपका जो भी डिज़ाइन है वो सही से फिल हुआ हुआ हो, बीच में गैप नहीं आए, वरना वो खूबसूरत नज़र नहीं आता है। आप जो हैं ये दो तरीक़े से कर सकती हैं, कि जैसे मैंने यहाँ से अपनी सुई निकाली है, अंदर डाली है, तो आप ऊपर से निकाल लीजिए, जैसे अब मैं दिखाती हूँ ये इस तरह, और दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है कि जहाँ से आपने सुई डाली है उसके बराबर में से आप निकाल लें। ये दोनों तरीक़े हो सकते हैं। ये जो तरीका है जिसमें आप बराबर में से सुई निकालते हैं, इसमें आपका धागा थोड़ा सा कम खर्च होता है, तो ये आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से सही काम बनता है। अब हम पेटल का दूसरी तरफ का बना लेंगे हाफ। ये हमारी एक पेटल बन गई है।
मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कई में मैंने बताया है कि जब भी आप अपना डिज़ाइन कोई ट्रेस की करें तो ये ख्याल रखिएगा पेंसिल वो यूज़ करें कि जिसका कलर ना फैले, और बाद में फिर आप अगर जब कपड़ा धोएं अपना तो वो साफ़ हो जाए। अब मैं पूरा आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ, फिर ये जो लीफ बनाए मैंने ये भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये भी इसी सिंपल उससे हैं स्टिच से, सैटन स्टिच से, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह बनेंगे। ये हमारा छोटा सा फ्लावर तैयार हो गया है। अब मैं इसकी स्टेम स्टिच से स्टेम बना रही हूँ। स्टेम स्टिच की भी मेरी वीडियो है, वो भी आप देखिएगा अगर आपको सीखना हो तो। हम लीव बनाएंगे, ये हमने स्टेम स्टिच से अपना छोटी सी स्टेम बना ली। इसके लिए पहले मैंने ये मैंने डबल लिया है धागा, इसके लिए थोड़ा मोटे मुझे लीव चाहिए थे। एक स्ट्रेट लाइन ली, थोड़ा सा छोटा करके टाँका, फिर दूसरा लिया बराबर में, फिर दूसरी साइड से लेंगे आप जो सेंटर वाला था आपका स्टिचर, के बराबर में से दूसरी तरफ से निकालेंगे, फिर एक और आप छोटा ले लें। थोड़ा आपको बड़ा करना है फ्लावर तो आप लीफ आपको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो ये आपका लीफ तैयार हो गया। आप चाहें तो एक टांका इधर और ले लें, जितना बड़ा रखना है आपको उसी हिसाब से शेप बन जाएगी लीफ की। ये हमारा लीफ तैयार हो गया सैटन स्टिच से, और ये तीन फ्लावर हैं। यकीनन आपको ये बहुत आसान लगा होगा, बेसिक स्टिच है। अगर आप ये आईलेट के साथ बनाएं तो बहुत खूबसूरत चिकन का आपका एक सूट बन सकता है। ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।